तो गाइस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए गाइस, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। हेलो गाइस, बाकी गाइस आ जाइए सभी लोग, काफ़ी भीड़ लगी है गाइस, सब लोग हमको घूर घूर के देख रहे हैं क्योंकि गाइस हम ब्लॉगर ही हैं ऐसे। बाकी गाइस ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम लोग। ये कौन सा कॉलेज है भाई साहब? ओ कौन सा ये स्कूल है? गांधी ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल सीताकुंड सुल्तानपुर। बाकी गाइस ये गांधी ज्ञान मंदिर है गाइस, पहले इसमें हमारे गांव के काफ़ी बच्चे पढ़ते थे, शायद हम भी पढ़ते थे। और गाइस ये स्कूल हम पता ही किस लिए छोड़ दिए आपको बता रहे हैं गाइस, इस स्कूल में टॉयलेट नहीं है गाइस, इस स्कूल में टॉयलेट नहीं था इसीलिए मैं स्कूल छोड़ दिया। देख सकते हैं गाइस काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं एंड मोस्ट छपरी बॉयज इज कमिंग, छपरी लोग भी आ रहे हैं गाइस यहाँ पर, बाकी अपने प्रेम भाई आगे से आ रहे हैं गाइस, प्रेम भाई हैं आगे से आ रहे हैं, अभी ऊपर गए थे। तो गाइस अरे क्या क्या होता था माँ के मगर मच्छो, जल्दी चलो आगे चलो चलो। बाकी गाइस काफी भीड़ लगी है यहाँ पर। हेलो गाइस आ जाओ भाई, ये कहाँ गए सब? बाकी पीछे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे गाइस, हमको कोई पहचानता पहचानता है ही नहीं, 5 लाख सब्सक्राइबर होने का क्या फायदा है, देख सकते हैं आप लोग। अब तक भाई कोई दूसरा यूट्यूबर होता भीड़ लग जाता है ना काफी। चलते रहिए गाइस सभी लोग। अगर दोस्तों जितने लोग यहाँ पर आए हैं ना सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते एक माहौल बन जाता सुल्तानपुर सिटी में, लेकिन नहीं करेंगे ये लोग, ताकि गाइस किसी का भला होना नहीं चाहते ये लोग। तो दोस्तों हम सीताकुंड गेट पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप ये सीताकुंड धाम का गेट है, थोड़ा हुआ तक चलते हैं फिर आते हैं ग्राउंड मारते हैं। बाकी गाइस मेला लगा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग गाइस जलेबी खाने आ रहे हैं, जलेबी खाने की चाह रखते हैं ये लोग। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मेला एक बार आता है उसके बाद अगले साल आता है। देखिए गाइस सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, भाई लोग काफी लोग खिलौना खरीद रहे हैं गाइस, काफी लोग खिलौना खरीद रहे हैं। पिपिहरी क्या बोलते हैं भाई साहब इसे, क्या बांसुरी बोलते हैं ना वो गाइस? गाइस नकली बाल भाई, नकली बाल लगा लेते बाल में गाइस, यहाँ पर नकली बाल मिल रहा है गाइस, कृपया ध्यान दे, नकली बाल भी मिल रहा है। आ जाओ थोड़ा गोवा तक चलते फिर रोज घूम लेते हैं, आ जाइए गाइस, आ जाओ भाई आ जाओ। दोस्तों आगे की तरफ चल रहे हैं हम लोग, काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, इतना भीड़ मैंने आज तक देखा नहीं गाइस, मेला खत्म हो रहा है भीड़ और ज्यादा हो रही है। चलो यार बाकी गाइस यहाँ पर गुड़ही जलेबी मिलती है, यू नो गुड़ही जलेबी कौन सी जलेबी होती है, अभी हम किसी से पूछते हैं गुड़ही जलेबी किसे कहते हैं। दोस्तों आ जाइए हम आपको गुड़ही जलेबी दिखाते हैं, मेला लगा है काफ़ी तरी तरीके के, मतलब फूड आइटम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ओ गाइस शर्ट मिल रहा है गाइस, देखते थे शर्ट पीछे सामने आपको देख रहे हैं चूड़िया गाइस, चूड़िया अपने वाइफ के लिए चूड़िया ले जाइए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए चूड़िया ले जाइए, बेलन गाइस अपने वाइफ के लिए बेलन ले जाइए, उसी से आपको मारपीट पड़ेगी। सिंदूर हो गए, सिंदूर कई प्रकार की, इसको क्या बोलते हैं भाई? गुब्बारा, बैलून है, अच्छा बैलून है, दिल वाला। हेलो गाइस, बाकी गाइस ये हमारा भाई मिल गया, हेलो आ जाओ भाई आ जाओ यार, गाइस माय बेस्ट फ्रेंड गाइस, बहुत मुझे ये लड़का सपोर्ट करता है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? दीप निषाद, ये अपना भाई अपने गांव का है, काफ़ी मुझे सपोर्ट करता है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाता है और गाइस पूरे गांव में ये भौकाल बना दिया है। हेलो गाइस, भाई कैसा लग रहा है तुमको? किसी के साथ आए हो? बाकी ये मेरा भाई आया अकेला, अकेला आया है, देख सकते हैं 50% लोग खो चुके हैं गाइस। लक्ष्मण भाई आ जाओ गाइस, अभी ये लोग भी खो जाते हैं। बाकी गाइस चलते रहिए सभी लोग, भीड़ बहुत ज़्यादा है,
लक्ष्मण भाई मिलवा आकर कैसा लगा? अभी हम पूछते हैं वो कौन सी जलेबी थी, वो कौन सी जलेबी थी, उस जलेबी का नाम भूल गया हूँ मैं। रुके रहो, रुक जाओ, शायद तुम लोग गलत बोल रहे हो। कोई मिल जाए उससे हम पूछते हैं। ओ गाइस, चावल पे अपना नाम लिखवा रहे हैं गाइस, जैसे लग रहा है अमर हो जाएंगे इस देश। चावल पे नाम लिखवा रहे हो भाई? हाँ भाई लिखवा रहे हैं गाइस, चावल पे नाम लिखवा रहे हैं। हाँ भाई, लगातार मीडिया तो हो गया, मोबाइल बाकी। गाइस तो मैंने आपको बताया था 50% लोग यहाँ पर शूटिंग के लिए आए हैं, और गाइस चावल का नाम भी लिखवा रहे हैं। हैकर, हैकर भाई, हैकर हैकर हैकर। हेलो गाइस, हैकर आए भाई, हैकर मिल गए गाइस भाई। एक और है भाई, वो गाइस आराम से छीन रहा। क्या लिख रहे हैं अंकल? अरे मतलब जो भी चावल का नाम लिख रहे हैं भैया लड़का। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर सबसे ज्यादा लड़कियों ने नाम लिखवाया चावल पे कि लड़कों ने? दोनों लिखा है भैया। सबसे ज्यादा कि सबसे आपके अंदाजा? बाकी गाइस ये भैया जी हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ चावल पे ज्यादा नाम लिखवाई हैं। तो जितने भी लड़कियाँ इस ब्लॉग को देखेंगी, कमेंट करेंगी, वो लड़कियाँ किसका नाम लिखवाई हैं चावल पे। थैंक यू भैया, हम चलते हैं आगे की तरफ।